अरे वाह छोटी सपना। अरे सपना छोटी नहीं है कप्पू भैया, लोग ज्यादा बड़े आए ले इसलिए मैं छोटी लग रही हूं। एक मिनट एक मिनट। हेलो हेलो एकता मैम, हेलो, अपने किसी शो में मेरे को भी रोल दे दो ना, मैं बहुत अच्छी चिल्ड आर्टिस्ट है। चिल्ड आर्टिस्ट नहीं बेटा, चाइल्ड आर्टिस्ट। अरे हमारे नाला सुपारा में सब चिल्डी होते हैं। हेलो तुषार सर। हेलो सर, आपकी वो फिल्म आई थी ना जीना सिर्फ मेरे लिए, सेम टू सेम मैं भी अपने छावे को यही बोलती है, पीना सिर्फ मेरे लिए। अरे बाबा कृष्णा भैया। बेटा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैं देख ही लिए, इनको हर गाने में यही स्टेप लगता है। एक और ये वाला। लेकिन ये कभी कभी करते हैं। कृष्णा भैया एक बात बोलू, आपकी शक्ल ना बिल्कुल मेरे छावे मुकेश से मिलती है। एकता मैम, मुकेश मेरा बॉयफ्रेंड है, नाला सुपारा में ना उसकी डुक्कर वॉशिंग सेंटर है। वो छोटे बच्चों के वो पिगी बैंक्स धोता है। वैसे कृष्णा भैया आप अकेले आए, अभिषेक को साथ नहीं लाए क्या? बेटा दोनों नाम ही नहीं के हैं। अच्छा क्या बात है, बराबर है, मामा कामयाब हो तो भांजे तो दो दो नाम रख ही लेता है ना। हेलो किकू सर, हेलो सर, आप ना मुझे दो दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। इसलिए? अरे वो क्या है ना, हम वहाँ पर धूप में खेलते हैं, तो अगर ये वहाँ पे खड़े हो जाएंगे ना तो ग्राउंड पे छाव आ जाएगी। एक मिनट, मैं अभी मेरे जारिया फ्रेंड को बुलाती हूँ। जारिया को, ए जारिया आजा आजा। ये क्या कर रहे बेटा? यार कृष्णा का अभिषेक कर रहे, यार तुम समझते नहीं हो यार। ए चारिया क्या फालतू की बात कर रहे ला है? अरे यार ये नाला सुपारा की नलियां क्या कर रही है यार? ए बिग पेंडी के लोटे ज्यादा नहीं बोलने का, नहीं तो तेरी ये बत्ती पे आग लगाएगी, सीधा मंगल ग्रह पे जाके फटेगा, समझा क्या? बेटा लड़की हो रहे आप, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कप्पू शर्मा जस्ट फोकस ऑन द फो ब्रो, फो फोकस ऑन द शो बेटा। तो कीजिए ना। ए क्या फालतू का जोक सुनाकर पका रेला है तू, ना जाके भैंसों का गोबर ही उठा है। एक मिनट कृष्णा भैया, आपने एंटरटेनमेंट की, बोल बच्चन की, सोनी पे शो कर रहे हो, वेब सीरीज भी की, तो एक करोड़ दो ना। दे दो बेटे, गेस्ट से पैसे नहीं मांगते। तो क्या पैसे से गेस्ट मांगू क्या? कपूर भैया आपको पता है ना इस शो में पैसे से गेस्ट नहीं आते। खैर छोड़ो, कृष्णा भैया आप ना मुझे बस दो दिन के लिए नाला सफारा में लगेंगे। क्यों? अरे वहाँ ना गोविंदा जी को लोग देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा को ले जाओ, वो मेरा ही करता है। वो सब छोड़ो, एकता मैम कृष्णा भैया वहाँ ना मेरा पार्लर है, वहाँ पर ना अलग अलग तरह की मसाजेस होती है। अच्छा, अच्छा। जैसे कृष्णा भैया आपके लिए एंटरटेनमेंट मसाज, उसमें क्या होता है? उसमें ना हम बेड पे पहले ऑयल रख देते हैं, फिर कस्टमर जैसे ही एंटर करता है हम उसके 10 मिनट तक मसाज करते हैं, इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट मसाज। एक और भांजा मसाज, उसमें क्या होता है? इसमें ना हम कस्टमर की बॉडी पे ऑयल लगा देते हैं, फिर उसका मामा आता है और भांजे को तब तक मसाज करता है जब तक भांजा सेटल नहीं हो जाता।
स्पेशल है, कश्मीरा मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ना पहले मीरा आती है और कस्टमर सोचता है काश ये मीरा हो जाए, काश मीरा मसाज। ऐसा ऐसा हमारा वर्ल्ड प्ले रहता ही है। अरे यार इसके मसाज छोड़ो यार, हमारे जॉक्स सुनो, जॉक्स सुनाओ सुनाओ। तुषार सर आपके लिए, अगर कोई बच्चा पढ़ाई से मन चुराता हो तो उसे क्या कहेंगे? घबराइए मत, ऐसा कौन सा कोट है जिसे हम लोग पहन नहीं सकते बताइए? कौन सा कोट? यार पठान कोट। पठान कोट। अरे ऐसा कौन सा प्राणी है जो फालतू बात बोलकर खुद ही छसता है? क्या कर लेगा रे तू? तू क्या कर लेगी? मैं तो डांस करेगी, वो भी कृष्णा भैया के साथ, ये वाला। तुम भी कर लेगा कीकू भैया के साथ, ये वाला। तो करते आइए आइए भैया भी आइए आइए आइए। म्यूजिक बजा बजा, म्यूजिक बजा क्या? वाओ वाओ ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू, बहुत 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 बढ़िया, अच्छा। थैंक यू। क्या बात है। अच्छा अच्छा चलिए मैं चलती है, वो कस्टमर के फेस पे डिस्टेम्पर लगा के आई थी, उतारना है इसलिए। हम भी चलते हैं, हमारी भैंसिया हमको याद कर रही होगी। बाय बाय। हम इनके हेल्प करके आते हैं। अच्छा मैं भी जरा देख कर आता हूँ कस्टमर के। अब वक्त है बू की लीड एक्ट्रेस को यहाँ बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। तो वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, प्लीज वेलकम मल्लिका शेरावत। जोरदार तालियां हो जाए मल्लिका के लिए। मल्लिका आज सिद्धू जी को दुख लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स में क्यों गए। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस हिम अ लॉट। मुझे भी उनकी बड़ी याद आएगी अर्चना जी। बैड लक। पर अर्चना जी भी फ्लर्ट कर लेंगे, किसी आदमी से कम थोड़ी। अच्छा वाह क्या, आप मल्लिका के लिए जोरदार तालियां। आइए मल्लिका। बू जो सीरीज है, कॉमेडी हॉरर सीरीज, तो देखिए आप जो प्रोड्यूसर है वो कितनी खूबसूरत है, यंग है, और जो भूतनी का रोल निभा रही है वो भी कितनी खूबसूरत है। मजा आ जाएगा एक्चुअली। सीरियसली ऐसी भूतनी हो ना, आता आदमी सोचता रहे मेरे पीछे पड़ जाए बस ये। किसी तरीके मुझे भी बहुत मजा आया भूतनी बन के। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। मैंने ट्रेलर में देखा आपके पैर उल्टे दिखाए उसमें। हाँ। अरे सामने मल्लिका खड़ी हो, पैर देखेगा कौन? अच्छा एक था, आपने सीरीज बनाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन मल्लिका को उसमें भूतनी कास्ट करने का आइडिया, ये बड़ा यूनिक आइडिया है, ये कैसे है? अगर आप किसी को भी पूछे कि एक हॉरर शो आ रहा है तो यार ठीक है यार मुझे ना डर लगने में, बट अगर आप बोलो मल्लिका शेरावत है उसमें, फिर कब आ रहा है? मल्लिका एक बात पूछनी थी आपसे, हालांकि ये चीजें सुनी है हमने, पर जैसे कहते हैं कि भूतनी किसी का खून पीती है। हाँ। तो वो खून पीने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करती है कि ऐसे पी लेती होगी? हसीना को खून बहुत पसंद है। मेरा किरदार जो है बू में, बड़े सरल स्वभाव में मैं समझाती हूँ। आपने सुना होगा हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, लेकिन अगर आपने हसीना की ना मानी तो आपकी जान जाएगी। हम जान देना चाहते हैं। वैसे मल्लिका आपको डर लगता है भूतों से? थोड़ा थोड़ा। बचपन में तो ज्यादा डरते हैं बच्चे। हाँ, बचपन में सभी बच्चे डरते हैं विक्रम बेताल की कहानियां सुन के। हाँ। अब इतना डर नहीं लगता। अर्चना जी भी नहीं भूतों से डरती, ये एक इंसान से डरती हैं। वो ना कहीं आ जाए। जितने भी मेहमान आए हैं उनमें से कोई है जिनको भूत से डर लगता हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जी मैडम।
हेलो कपू सर. हेलो. हेलो अच्छू मैम. हाय. हेलो तुषार जी, एकता जी, मल्लू मैम. बड़ी हमारी मम्मी आई भी आज. सबको छोटे छोटे नाम. आपका क्या नाम है? मेरा नाम इला है, लेकिन प्यार से लोग मुझे इलू बुलाते हैं. ओ वाओ. इलू यू आर मैरिड? या. ओके. इलू इलू हो चुका है पाजी. क्या हाल? कहाँ से आए आप? बड़ौदा से आई हूँ मैं सर. अच्छा जी. मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था सर. आपने जैसे पहले बताया कि चुड़ैलें हमेशा हाईवे पे ही क्यों मिलती है. हाँ. तो मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था हाईवे पे. अच्छा. मैं बचपन में जब छोटी थी तो... बचपन में जब छोटी थी. वाओ. बचपन में छोटी होते बचपन में. टेंथ में पढ़ती थी तो रात को था मेरा ट्यूशन. अच्छा. तो मैं ट्यूशन खत्म करके रात को घर जा रही थी, 9:30 बजे के आसपास. मेरा घर हाईवे के पास था तो साइकिल लेके जा रही थी. तो मैं जा रही थी, अकेली थी. रास्ते में एक बूढ़ी औरत पूरे अपने बाल ऐसे आगे करके. हाँ. ऐसे बैठी थी हाईवे के पास. तो अच्छा. उसने जब मैं पास से गुजरी तो ऐसे मुझे देखा. हाँ. तो मैं मतलब इतनी घबरा गई कि मेरे घर की तरफ मुड़ने की बजाय मैं सीधा हाईवे पे चली गई और आगे जाके गिर गई साइकिल लेके. जैसे तैसे मैं खड़ी होके साइकिल लेके घर पे गई और मुझे बुखार भी आ गया था. मम्मी लोगों को मैंने स्टोरी बताई, मम्मी लोगों ने सुनी और फिर आसपास वालों को बताया. और सो पता चला कि एक औरत हमेशा ऐसे हाईवे पे बैठ के सबको डराती थी. वो पहले भी हो चुका था ऐसे. कई लोगों ने ना ये धंधा बनाया हुआ है. आप जाओगे नेशनल हाईवे में बहुत सारे लड़के भी जो ऐसे लड़कियां बन के घूमते हैं. तो ये आपके हस्बैंड? नमस्कार सर. डॉक्टर है मेरे हस्बैंड. अच्छा डॉक्टर है आप. हाँ. आप डरते हैं सर कभी किसी से? उससे ही डरते होगे सर. जिससे डरता है उससे तो शादी हो गई है. डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं आप? फैमिली फिजिशियन हूँ. अच्छा जी. चलिए तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके. शुक्रिया आने के लिए. और वो चुड़ैल मुझे तब याद आती है जब मैं रात को मेकअप धो के फिर अपना चेहरा मिरर में. वेरी ऑनेस्ट यार. सर मैं आपसे हक करना चाहती हूँ प्लीज सर. तो डॉक्टर साहब का क्या होगा फिर? उनको चलेगा सर. चलता है. थैंक यू. आपका नाम मैं भूल गया सॉरी. इलू. इलू. हाँ इलू. इलू प्लीज. इलू. इलू जी. इलू शुक्रिया. इलू धन्यवाद आपका. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. सर मेरा नाम आयुष है और हम रोड ट्रिपिंग करते हैं. जैसे मेरे फ्रेंड साथ बैठे हैं तो हम लुधियाना से सीधा या मुंबई आ रहे हैं. अच्छा. बाय रोड आ रहे हैं. तो ऐसे ही हम कसौल जा रहे थे. प्रेशर पड़ा तो साइड में गाड़ी रोक के थोड़ा सा हल्के होने लगे तो वहाँ पे 2000 का नोट. ये लोग हैं जो स्वच्छ भारत अभियान कामयाब नहीं होने देते. अच्छा जी. तो फिर? तो सर वहाँ पे 2000 का नोट पड़ा था तो मैं आ गया उठाते हैं. ओ नहीं नहीं भाई उठाई मत. श्रेडा है. श्रेडा होता है जो रूप बदल लेता है. अच्छा. उसको हिमाचली लैंग्वेज, हिमाचल का है ना तो इसलिए इसको इस बारे में नॉलेज थी. तो कहता श्रेडा उठाई मत भाई, श्रेडा है. तो मैंने कहा यार 2000 का नोट छोड़ रहा क्या बात है. कहता गाड़ी में बैठ, फटाफट भगाई हमने. इसने बाद में समझाया कि वो रूप बदल के तेरे साथ ही तेरे साथ तेरे घर चले जाना था और सारी जिंदगी के लिए तुझे बीमार कर देना था. तो जो रूप बदल लेता है उसको लिफ्ट लेने की जरूरत है? वो सीधा भी तो आ ही सकता है. 2000 रुपए का नुकसान करा दे आपके दोस्त. और क्या मैंने कहा. आपको पैसे मिल रहे थे अच्छा भला. हाँ. और ऐसे काम के पैसे मिल रहे थे जिसको आज तक कभी मिले नहीं ऐसे. आप फिर भी छोड़ा यार. थैंक यू. चलिए धन्यवाद सर. थैंक यू. जी मैम. हेलो कपिल सर. हेलो. हेलो एवरीवन. हाय. सर जैसे आप आज डर की बात कर रहे हो. जी. वैसे मैं किसी चीज से नहीं डरती. अच्छा जी. लेकिन आज बहुत डर लग रहा है. किससे? एक्चुअली मैं आपके लिए बहुत ही दिल से एक चीज बना के लाई हूँ आपके लिए और गिनी भाभी के लिए. अच्छा जी. गिनी भाभी हो गई है. अच्छा जी. थैंक यू. क्या बना के लेके आए? मैं स्टेज पे आ सकती हूँ? हाँ जी आ जाइए प्लीज. थैंक यू. शुक्रिया. और हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. बहुत ही ब्यूटीफुल है. थैंक यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. और स्पेशली आपके शो के लिए हम अमृतसर से आए हैं. अच्छा जी. थैंक यू सो मच. मेरे शहर से आए आप? यस सर. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत खूबसूरत है ये. थैंक यू सर. लव यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. मैं बीवी की फोटो लगा रही हूं. सो स्वीट. हाउ स्वीट. और पीछे हरे कुर्ते वाले मैं बड़ा ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं आप सर. क्या नाम है सर आपका? मिस्टर नागी बादशाह. क्या सांप पकड़ते हैं आप? क्या कर रहे? अच्छा. जी 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 सर. नागी बादशाह मेरे घर में. हाँ जी. लगातार 12 साल सांप निकला सर. लेकिन
हम उसके आगे दूध रख देते थे, वो सांप अपने आप गायब हो जाता था सर। तो इससे क्या समझे हम कि आपका दूध नहीं पसंद आया उसको कि क्या? नहीं, नो नो नो। हाँ जी। ये इसलिए कि हम नागी जात है हमारी। नागिन। नागी। नागी। नागिन ये बैठी है। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। वो कुछ नहीं। This is my wife, this is your life. वाओ, पहले अभी आपने नागिन बोल दिया उनको। ओ, नागिन तो जात है ना सर। अच्छा जी, अच्छा नागिन जात है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार जी। ये कहाँ से मिले आपको? अच्छा आप लोग, आप कहाँ से आए मैम? हम हरियाणा से आए। घर में भी एंटरटेन करते हैं आपको कि नहीं? थैंक यू जी। भी जैसे एकता ने नागिन सीरियल प्रोड्यूस किया था तो इन्होंने भी काफी रिसर्च किए, इनका भी यही कहना कि सांप जो है दूध नहीं पीते। हमने तो दे दिया ना दूध, हमने दूध दे दिया उसको, वो चाहे पिए ना पिए, वो अपने आप वापस चले जाएगा दूध। तो आपका ये मानना है कि सांप दूध पीते हैं? हाँ जी पीते हैं। अच्छा जी, वो चाहे मुंह लगाए ना लगाए लेकिन पीते जरूर है। देखो पता तो क्या पीते कहाँ से? देखो एक मिनट, कपिल हवाई नागिनी डांस भी करती हैं, मारती भी हैं, टीआरपी भी लाती हैं। नागी साहब बड़ा मजा आया आपसे बातें करके, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।